Hello everyone. As you know that the exams are heading and of course the CLAT examination as well as the DULLB examination, or you know that we are about to start a crash course. But before beginning to that, crash course sirf 15 din ka hai. And of course you cannot also expect ki hum 15 din mein aapko sab kuch karwa sakte hain. But yes, of course the classes of all the subjects will be conducted. So I am starting an online series जो कि आपकी क्लासेस से पहले चलेंगे, जिसमें हम एक छोटा सा बेस तैयार करें कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्लास में आने से पहले. और दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन, चाहे वो क्लैट अपेयर कर रहा हो, चाहे उसने एलेट दिया हो, चाहे वो डी यू एल एल बी दे रहा हो, चाहे उसने बीएचयू दिया हो, या फिर एनी अदर एग्जामिनेशन. सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एफर्ट फ्रॉम माई साइड सो दैट आप क्लास में आने से पहले आपको चीज़ें थोड़ी बहुत नॉलेज हो. ओके, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज देखो, अगर लॉ का एग्जाम है तो कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत क्वेश्चन पूछता है. मैं इंडियन पॉलिटी की बात नहीं करी, इंडियन पॉलिटी में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं, लेकिन हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट हाउ इट ऑल बिगेन. आज का वीडियो बहुत छोटा सा बनाऊंगी ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए दैट हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट हाउ इट हैज़ बिगिन एंड हाउ वी बीन एबल टू डू दिस. सो यू नो व्हाट दैट, अब हम एक जरा फ्लैशबैक में जाते हैं 1936 में, जब संविधान बनाने की बात शुरू हुई थी, जब सब लोग लड़ रहे थे कि हम अपने देश के लिए हमें इंडिपेंडेंस चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल अवर नेशनल लीडर्स, ऑल दोज हु हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन अवर इंडिपेंडेंस. सो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग थी वो तो 1936 से ही चल रही थी. हम लोगों ने रादर 1935 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट भी बनाया था, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलते हैं. उस ड्राफ्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि हमें ऐसा देश चाहिए, हमें ये हमारा संविधान होगा. आपको पता है संविधान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके, ताकि एक चीज़ बताई जा सके दैट दिस इज द वे, दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न. कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट्स होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्रेजिडेंट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, उसके गवर्नेंस के लिए. हैंस वी मेड दिस. सो इट वॉज, देर वॉज अ डिमांड ऑफ दिस सिंस 1936, बट बिकॉज ऑफ द नॉन कॉपरेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वी वर अनएबल टू डू दिस. अब आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर. मैं आज का वीडियो बहुत छोटा सा बनाने वाली हूँ ताकि आप एक, हम एक स्टोरी की तरह चीज़ों को पढ़ सकें और एक अच्छी सी कहानी से आपको फैक्ट भी याद हो जाए और हम अपने देश के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में भी कुछ जान सकें. ओके, सो 1936, उसके बाद आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945. अब ब्रिटिश की बात करते हैं. ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज था, आप ऐसे मान के चलो, दिस इज द वर्ल्ड मैप, यहाँ पे ब्रिटिश है, यहाँ पे इंडिया. सो ब्रिटेन, उनका हमारे ऊपर राज था. 1935 में जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी गवर्नमेंट इलेक्शन हार गई. चर्चिल जो था उस समय, ही वन द वर्ल्ड वॉर बट ही लॉस्ट द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. 1906 से लेकर आज तक कभी भी, आज मतलब 1945 तक कभी भी चर्चिल, मतलब चर्चिल कह रही हूँ मैं, कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट हारी नहीं थी इलेक्शन, पहली बार हारी. तो पहली बार जब वो हारी तो वहाँ के पीएम बन गए क्लेमेंट एटली. ठीक है, मैं ब्रिटेन की बात करी, अब ब्रिटेन के पीएम बन गए क्लेमेंट एटली. जब क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बन गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अब इंडिया को आज़ाद कर दो. देखो, इसमें बहुत सारी लिटिगेटीज हैं, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ. मैं आपको सिर्फ एक एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे. ओके, सो देन ही सेड दैट इंडिया को फ्री कर दो. अब इंडिया को फ्री कर दो तो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री. इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, वेरियस रिलीजन्स हैं, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु बीन डूइंग लाइक वेरियस डिफरेंट जॉब्स, देर बहुत डाइवर्सिफाइड है. तो ऐसे तो एकदम से फ्री नहीं किया जा सकता था. सो वॉट दे डिड दैट, उन्होंने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 3 मिनिस्टर्स को भेजा कि आप जाओ और इंडिया में एक इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम मतलब कि थोड़ी छोटे टाइम के लिए, ठीक है, टेम्प्रेरी, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना के आओ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. ठीक है, तो अब दे स्टार्टेड डूइंग दिस एंड 3 ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स लैंडेड अप इन इंडिया. ओके, तीनों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. ठीक है, ये तीनों लोग आए और इन तीनों लोगों ने
यहाँ पे बोला कि हम लोग एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं और वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज आए, मोहम्मद जिन्ना के, जवाहरलाल नेहरू के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, देर वॉज लाइक बहुत सारे कॉन्स्पिरसीज बनी, बहुत सारे आपस में झगड़े हुए, लेकिन हम एंड पे आते हैं। अब फाइनली क्या हुआ दैट यस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फाइनली मेड एंड इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फाइनली मेड अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो मेड। पहली असेंबली, जो पहली असेंबली की मीटिंग हुई, अब मैं 1946 की बात करूँ, 47 में अभी तक आई नहीं, मतलब 1946 में, ठीक है, 1946 में ही असेंबली वॉज सेट एंड देवर रेडी। अभी तक हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला है, इंडिपेंडेंस हमें अगले साल मिलेगा, है ना। अब अभी तक दे हैव सेट अप दैट देयर शुड बी एन असेंबली एंड हु विल बी मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो 9th of December 1946 को हमारी सबसे पहली मीटिंग हुई, सबसे पहली मीटिंग हुई जिसके अंदर ऑफकोर्स जो असेंबली के सबसे बड़े लोग होते हैं, हमारे घर में भी कुछ चीज़ आती है तो हम सबसे पहले सबसे बड़े इंसान से उसको आशीर्वाद दिलवाते हैं। हेंस जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि आप आइए और कुर्सी पे विराजमान हो जी होइए। उसके बाद दो दिन बाद हम लोगों ने परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कमिटीज बनाई गई जो कि कमिटीज काम करेगी, यूनियन गवर्नमेंट का काम क्या होगा, स्टेट्स कैसे बनेंगी, ये सब कैसे होगा, वो सब कैसे होगा, फंडामेंटल राइट कौन बनाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें थी जो बनी। टोटल 13 कमिटीज हैं। मैं एक प्रॉपर वीडियो और हम सीरीज चलाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, अब आते हैं वापस 11 दिसंबर पे हम आ गए। 11 दिसंबर 1946 को ये सब शुरू हो गया। अब अगले साल 1948 आ गया, लेकिन अभी तक भी क्या हो रहा था कि मुस्लिम लीग की वजह से हमें बड़ा नॉन ऑपरेशन मिल रहा था। मुस्लिम लीग आ ही नहीं रही थी असेंबलीज में, मुस्लिम लीग अलग थी। देयर वर टू थिंग्स इन द असेंबली, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि जब जून में हमारे पास कैबिनेट से लोग आए थे और हमने मीटिंग करी दिसंबर में, तब तक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, तब तक बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि ऐसा तो नहीं होगा कि मुस्लिम्स को एज अ माइनॉरिटी ट्रीट किया जाएगा। और मोहम्मद जिन्ना वॉज नॉट एट ऑल इन अ फेवर कि मुस्लिम्स के लिए जो राइट्स हैं वो भी हिंदू लिखे हैं, तो उन्होंने एक अलग से लीग बनाई, दैट इज मुस्लिम लीग, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी उनके लिए काम किसने किया, इंटरनेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। तो अब क्या होता था कि मुस्लिम लीग का नॉन कोऑपरेशन था जिसकी वजह से काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। फिर इसी दौरान बीच में हम लोगों को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मतलब कि आज़ादी मिल गई। 14th of August को पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस एंड 15th of August 1947 को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। एंड आफ्टर दैट ऑन 29th of August 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखेगा, 29th of August 1947 को ही हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। एक ड्राफ्टिंग कमेटी शुरू से नहीं बनी हुई थी, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जो कि ड्राफ्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का काम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेगी, और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये दीज आर दी सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है पेपर में, कहीं कहीं से कौन कौन से फैक्ट हैं। मैं यहाँ से पूरी कहानी आज तक की कोशिश करूंगी, जितने भी अमेंडमेंट थे, चाहे वो फर्स्ट अमेंडमेंट हो या फिर अभी तक 103rd अमेंडमेंट हो, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विल बी कवरिंग ऑल ऑफ देम एंड बिफोर द क्लासेस, बिफोर हम फर्स्ट को मिलेंगे और आपके उससे